भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, जो टीचर थे, वो गंजे क्यों रहते हैं, या उस समय भी वो गंजे क्यों रहते थे? क्योंकि उस समय तो उस्तरा जैसी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, तो वो अपने शरीर के बालों को नोचते थे, पूरे शरीर के सारे बालों को नोचते थे और अपने पूरे शरीर से बाल रहित रहते थे, यानी बाल नहीं होते थे। आज भी जो भिक्खु लोग हैं या भिक्खुनी हैं, वो अपने सर को गंजा करके रखते हैं और सर पर बाल नहीं रखते हैं। इसका जो पहला कारण है, वो कारण है समानता का, क्योंकि शिष्य जितने भी हैं, भिक्खु संघ में जितने भी लोग रहें, वो एक से रहें। पहला कारण तो ये है कि एक से रहें, समानता रहें, ताकि भिक्खु आपस में ये ना कह सकें कि तेरे बाल बहुत सुंदर और तेरे बाल बहुत ख़राब, उससे उनका मन विचलित होगा। दूसरा कारण था कि अगर भिक्खु शरीर पे बाल रखेगा तो बालों में सुंदरता देखेगा, और अगर वो सुंदरता देखेगा तो उसका मन सौंदर्य में जाएगा, उसका मन अटक जाएगा और वो विपसना नहीं कर पाएगा, जीवन से मुक्ति के मार्ग के रास्ते में बाधा आएगी, इसलिए उसके बाल को ना रखने का नियम बनाया गया। तीसरा इसका कारण था कि जब डीप विपसना में जाते हैं या साधना में जाते हैं या मेडिटेशन में जाते हैं, तो उस समय शरीर का अगर एक बाल भी हिलता है तो शरीर में जो ध्यान है वो हट जाता है, ध्यान विपसना से हट जाता है, इसलिए शरीर में कोई भी बाल नहीं होगा तो वो हवा से हिलेगा नहीं और ध्यान भटकेगा नहीं। ये बातें खास तौर से रखी गई कि मन के भटकाव को रोकने के लिए शरीर के जितने सौंदर्य थे वो सारे सौंदर्य हटाए गए, यहाँ तक कि जो भौंके बाल थे वो भी वो हटा ले लेते थे, कोई मूछ दाढ़ी नहीं होती थी, पूरा का पूरा एक सा मिलता था, और वो उसी के साथ में अपने मन को कंट्रोल करते थे, सारी दुनिया के जितने भी ऐश आराम या रस थे उनसे उनको व्रत करते थे। और बाद के समय जब लोगों ने इसको देखा कि इससे सही तपस्या विपसना होती है, क्योंकि बुद्ध के समय से पहले लोग बहुत जटाधारी हुआ करते थे और बड़ी बड़ी लंबी जटाएँ और दाढ़ी रखा करते थे, बाल रखा करते थे, बुद्ध के बाद में ये परंपरा चली कि बाल पूरी तरह से हटा दिए जाएँ। बुद्ध की परंपरा जाने के बाद भी लोगों ने बाल का चलन रखा, मगर एक छोटी सी चोटी अपनी पहचान के लिए रख ली, बाकी सर वो गंजा रखते हैं। तो जितने भी आपने मुंड या मुंडका देखे होंगे, जितने भी मुंडे देखे होंगे, वो मुंड या मुंडका या मुंडा शब्द जितना भी आता है, वो सारे पुराने प्राचीन लोग हैं जो गंजे रहते थे, क्योंकि उस समय उसको मुंड बोला करते थे, या कप का हटाना यानी कि बालों का हटाना बोलते थे, कप उच्छेद बोला करते थे, कप विच्छेद बोला करते थे, यानी जो कपाल होता है, कप होता है, उससे बालों का हटाना। तो आप मुंड और मुंडका और मुंडे जितने भी शब्द हैं, जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पुराने हैं, या जो लोग आज एक चोटी भी रखते हैं और बाकी गंजे हैं, तो पुरानी परंपरा से आता है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।